الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم starting with the name of Almighty Allah who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum to all students of English 101. First of all आप लोग जो हमारा चैनल है व्यू शॉर्ट नोट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ जो बेल आइकन आप लोग उसे प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल में अपलोड होने वाले तमाम सब्जेक्ट्स के शॉर्ट लेक्चर्स आपको ईजिली मिल सके. ओके विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम लोग अपना लेसन स्टार्ट कर लेते हैं. लेसन नंबर 11 आज हमने करना है. तो लेसन नंबर 11 बेसिकली किया है जैसे कि पहले तो हमने कुछ जो लेसन्स किए थे वो आपके एक्सरसाइज बेस्ड थे, जस्ट आपकी एक्सरसाइज थी, प्रैक्टिस थी, या आपको बार बार चीज़ें रिवाइज करवाई गई हैं जैसे कि आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स बार बार पीछे दो तीन चैप्टर्स में बार बार रिपीट हो रहे थे, मेन आइडिया आपका रिपीट हो रहा था. सिमिलरली तीन चार चैप्टर तो आपके ऐसे प्रैक्टिस चैप्टर्स हो गए, ठीक है. लेकिन आज का जो चैप्टर है हमारा ये टोटल कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है. इसमें जस्ट आपने कॉन्सेप्ट लेने हैं, इसमें आपने समझना है, ठीक है. ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अच्छा जी, चैप्टर का जो हेडिंग या टाइटल है वो है रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग द रीडिंग, यानी कि जो हम रीडिंग करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं उसको समझना, ठीक है. अब ये आपको पूरा एक पैराग्राफ दिया गया है आपकी रीडिंग के बारे में, ठीक है. आप इसे पैराग्राफ कह लो, टेक्स्ट कह लो, वट एवर आपको जो ठीक लगता है. अच्छा जी, इसको मैंने तो सारा रीड किया हुआ है लेकिन अभी क्योंकि शॉर्ट लेक्चर है तो मैं सारे को रीड नहीं कर सकती. मैं आपको जस्ट जो है ना समरी दे देती हूँ, ठीक है. यानी कि मैं आपको समझा देती हूँ कि इसमें बेसिकली क्या है, ठीक है. यहाँ पर बेसिकली आपको बताया गया है कि ये जो टेक्स्ट होता है, एक स्टोरी होती है या पैराग्राफ होता है, ठीक है, वो सबसे पहले राइटर कैसे लिखता है, क्यों लिखता है, और कोई भी पैराग्राफ स्टोरी लिखते हुए हमारे जहन में कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, उसका स्टाइल क्या होना चाहिए, और ठीक है इस तरह की तमाम बातें, या फिर उसको कंक्लूड कैसे करना चाहिए, करेक्टर्स को कैसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, ये सारा का सारा आपके इस पैराग्राफ में लिखा गया है. अब हम जो है ना मूव कर लेते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है. फिर ये देखिए यहाँ पर ये एटीट्यूड का जिक्र हुआ हुआ है, यानी कि जो राइटर है उसका एटीट्यूड क्या है, राइटर ने जो स्टोरी लिखी है वो उसने बेसिकली किसके बारे में लिखी है, क्या वो कोई मोरल स्टोरी है, क्या वो किस टाइप की स्टोरी है, ठीक है. यानी कि उसमें कोई हमें इखलाकी तौर पर सबक दिया गया, स्टोरी का मकसद क्या था, एटीट्यूड के बारे में लिखा गया है, टोन उसकी क्या थी, यानी कि उसका जो राइटर ने स्टोरी लिखी जो आपसे बात करना चाह रहा था वो बेसिकली किस लहजे में बात करना चाह रहा था, उसका किस किस्म का लहजा था, वो हमें क्या समझाना चाह रहा था, ये चीज़ आपकी चली जाती है. टोन में फिर होता है कि राइटर जो है उसने कौन सी टेक्निक यूज़ की है, यानी राइटर ने ऐसा क्या अपनी स्टोरी में ऐड किया कि हम वो स्टोरी पढ़ने के लिए मतलब हम लोग क्यूरियस हो गए, हम लोग क्या हो गया कि हमें ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो गई है कि इस स्टोरी में अब नेक्स्ट क्या होगा, कि ऐसा क्या होगा, यानी कि राइटर ने ऐसी कौन सी टेक्निक यूज़ करती है जिसकी वजह से जो रीडर होता है, जो पढ़ने वाला होता है, वो क्या होता है, उसका इंटरेस्ट कैसे डिवेलप होता है उस पैराग्राफ पे या उस स्टोरी में, ठीक है. तो ये सारा आपका बेसिकली लिखा हुआ है कि राइटर ने अगर कोई स्टोरी लिखनी है तो उसका क्या एटीट्यूड होगा, उसने कैसे डिफाइन करना है, उसका टोन क्या होगा, उसने कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है. तो ये सारा आपका पैराग्राफ इस तरह हो गया कवर, ठीक है. फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पर जिक्र किया गया लिमिटेशंस का, यानी कि एक अच्छा जो पढ़ने वाला होता है, और एक बात आपको पता होनी चाहिए जो क्या होता है, जो गुड स्पीकर होता है वो एक अच्छा लिसनर भी होता है. अगर आप एक आपकी सुनने की सलाहियत बहुत अच्छी है तो आप फिर रीडिंग भी बहुत अच्छी कर सकते हैं. प्लस क्या हो सकता है, आप एक अच्छे राइटर भी हो सकते हैं. अगर आपको एक चीज़ें क्लियर समझ आ रही है, आप उन्हें सही से समझ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप राइटिंग भी कर सकते हैं, आप वो वर्ड लिख सकते हो. मोस्टली क्या होता है कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें इंग्लिश में इंग्लिश के वर्ड्स की समझ नहीं आती. जब उनको समझ नहीं आती, ठीक है, समझ ना आना मीन यू कैन से कि उनकी रीडिंग ठीक नहीं होती ना, रीडिंग नहीं होती, उन्हें समझ नहीं आती तो वो राइट नहीं कर सकते, ठीक है. फिर यहाँ पर पैटर्न लिखे में ये सारा आपका पैराग्राफ इसी के मुतालिक है कि राइटर को क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, या वो क्या चीज़ें फॉलो करता है, कैसे लिखता है, क्या सिनोनिम्स होते हैं, कैसे सिनोनिम्स का इस्तेमाल करता है. सिनोनिम्स वो होते हैं वर्ड्स विच हैव द सेम मीनिंग, यानी कि वो कैसे लफ्ज़ को चेंज करते हैं. अगर एक दफ़ा उसने कोई लफ्ज़ लिखे फ्रेंड्स तो दोबारा वो कौन सा लफ्ज़ चूज़ करेगा फ्रेंड्स के लिए, ठीक है. इस तरह बहुत सारे और भी हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि डिटरमिन है, एक दफ़ा राइटर ने डिटरमिन यूज़ किया तो दूसरी दफ़ा राइटर क्या यूज़ करेगा, राइटर जो है ना यानी कि कैसे सिनोनिम्स यूज़ करेगा, राइटर कैसे एंटोनिम्स यूज़ करेगा, ये सारा आपके इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है. के बाद आपका एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ अबाउट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, पढ़ना और समझना, जो कि पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप ऑलरेडी समझ भी सकते हैं. इस बात का ये मतलब है कि आप लोग मोस्टली देखो, अगर आप इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं तो उसमें जो है ना, अगर साथ साथ आप पढ़ लेते हो ना, आप में इतनी एबिलिटी है कि जो भी नीचे लाइन आ
रही होती है, जो वो कह रहे होते हैं, अगर आप वो पढ़ लेते हो तो आप में यानी अंडरस्टैंडिंग की भी एबिलिटी होनी चाहिए, जस्ट रीडिंग नहीं करनी चाहिए। जैसे कि मैं ये सारा पैराग्राफ रीड तो कर लूँ, ठीक है, रीड तो हम कर लें, लेकिन हमें समझ नहीं आए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर हमारी रीडिंग ठीक होगी तो इट इज़ मस्ट कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग फॉर टेक्स्ट है, जो भी हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसको हमें समझना भी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट जो है वो क्या है कि काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑन रीडिंग द पैसेज आर लाइकली टू बी एज फॉलोज। अगर हमने एक पैसेज को रीड किया है तो हमसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हमें किन किन सवालात के जवाब पता होने चाहिए। सबसे पहले मीनिंग्स, मीनिंग्स का क्या मतलब है, जो भी आपने पैराग्राफ पढ़ा है, स्टोरी पढ़ी है, टेक्स्ट पढ़ी है, उसमें जितने भी मुश्किल वर्ड्स हैं, जो भी वर्ड है उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक्सिक्यूट का वर्ड इन्होंने यूज़ किया, एक्सिक्यूट का मतलब होता है रन, चलाना, ठीक है। इसी तरह आपके पास यहाँ इन्फ्लिक्ट कैपिटल जो कि यूज़ हुआ है, पनिशमेंट के लिए यूज़ हुआ है। सिमिलरली स्पार्क का क्या मतलब है, यानी कि आपके जो भी पैराग्राफ है, यानी कि पहला आपका मकसद क्या होना चाहिए, यानी अगर आप रीडिंग कर सकते हैं तो आपके अंडरस्टैंडिंग जो कॉन्सेप्ट हैं चीज़ को समझने के लिए वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और उसमें सबसे पहले जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट होता है वो क्या होता है कि आपके वर्ड्स एंड मीनिंग क्लियर होने चाहिए। जितने भी मुश्किल वर्ड्स हैं उनके मीनिंग आपको आने चाहिए, ठीक है। कोई भी बंदा कोई भी आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट है फैक्ट। फैक्ट क्या होता है कि यू मे बी आस्क्ड टू आंसर क्वेश्चन अबाउट व्हाट द पैसेज इज एक्चुअली सेइंग टू मेक श्योर दैट वर्ड अंडरस्टैंड इट, यानी कि जो आपका टेक्स्ट है, ठीक है, उसका मेन मकसद क्या है, राइटर जो है वो क्या कहना चाह रहा है, किस बात पे जोर दे रहा है, आपको ये बात भी पता होना चाहिए। अच्छा, एक और आपके सामने ये कह देती हूँ कि फैक्ट को हम कह सकते हैं कि मेन आइडिया कह सकते हैं, सेंट्रल आइडिया भी कह सकते हैं, मरकजी ख्याल होते हैं, यानी कि इतनी लंबी स्टोरी है, जैसे कि पीछे इतने ज़्यादा पैराग्राफ्स दिए गए थे, लेकिन मैंने आपको विद इन जस्ट 1 और 2 मिनट आपको बता दिया कि ये हुआ है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो आप में इस एबिलिटी, अगर आपकी रीडिंग ठीक है तो साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी ठीक है, आपको चीज़ों की समझ भी आ रही है, तो साथ आपको फैक्ट्स का भी पता होना चाहिए कि राइटर बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, राइटर ने जो स्टोरी लिखी है क्या वो मोरल स्टोरी है, क्या वो किस टाइप की स्टोरी है, राइटर हमें किस बात पे कन्विंस करना चाह रहा है। नेक्स्ट है रीडिंग बिटवीन द लाइंस। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि राइटर डू नॉट ऑलवेज स्टेट फैक्ट, यानी राइटर जो है ना वो कुछ भी कहना चाह रहा हो ना तो राइटर डायरेक्टली आपसे नहीं कहेगा, यानी कि उसने जो भी फॉर एग्जांपल एक राइटर है उसने कुछ स्टोरी लिखी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो आपको डायरेक्टली नहीं बताएगा कि उसने ये उसके करेक्टर्स हैं या करेक्टर्स के ये नाम है, नहीं। अगर आप नावल पढ़ते हों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स नावलिस्ट मतलब उन्हें नावलिस्ट में होगा इंटरेस्ट, तो क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता आता है कि पहले वो बताते हैं कि एक बंदा होता है वो इस टाइप का होता है, उसका ये काम होता है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फिर जाके एंड पे इंट्रोड्यूस कराते हैं कि इस बंदे का नाम ये होता है, ठीक है। तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस का भी यही मतलब है कि राइटर क्या करता है कि डायरेक्टली करेक्टर से हमें इंट्रोड्यूस नहीं करवाता, मुतारिफ़ नहीं करवाता, बल्कि हमें पढ़ना पड़ता है, पढ़ के यानी बताता है इस बंदे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, फिर हमारा हम लोग क्यूरियस हो जाते हैं जानने के लिए कि ये बंदा जिसकी ये जिम्मेदारियाँ हैं उसका क्या करेक्टर है, उसका क्या नाम है, यानी कि उसका कैसे राइटर ने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है मेटाफोरिकल लैंग्वेज। मेटाफोरिकल लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि इजी वर्डिंग में आप लोग समझ लें, जिस तरह हम लोग कहते हैं ना कि मुतशाब्या, यानी कि तशबी, हाँ, तशबी देना, उर्दू में आप लोग मोस्टली कहते हैं तशबी देना, यानी जैसे कि राइटर मोस्टली जो है ना अपनी पोइट्री में उसने चीज़ों की तशबी दी हुई थी, यानी कि तशबी देना मीन यानी किसी चीज़ को किसी के साथ कंपेयर करना, जैसे कि मैं कहती हूँ क्या, जैसे कि बादलों की तरह खूबसूरत, ठीक है, बादलों की तरह, अब मैंने क्या किया, मैंने तशबीह दी है। तो मेटाफोरिकल लैंग्वेज जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, तशबीह देना, ठीक है जी, जैसे कि गुलाब की तरह आप कह लो, गुलाब की तरह नाजुक, ठीक है, इस तरह के आपके पास बहुत सारी और भी एग्जांपल हो सकती है। तो राइटर ने कैसे मेटाफोरिकल लैंग्वेज यूज़ किया, राइटर ने कैसे जो है ना उसने वर्ड्स को कंपेयर किया है, उसने वर्ड्स को क्या किया कि उसने कैसे किसी और वर्ड के साथ यानी कि तशबीह दी है, कंपेयर किया है कि इस लफ्ज़ को हम ऐसे भी यू कैन से कि अल्टरनेट किया, यानी कि उस लफ्ज़ की जगह कोई और लगाना या किसी को किसी के साथ तशबीह देना, ठीक है। हम लोग मोस्टली कहते हैं कि बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, पत्तों की तरह ग्रीन, ठीक है, लीव्स की तरह ग्रीन, और बारिश की पानी या फिर ठंडा पानी, या इस तरह की जो भी हम एग्जांपल देते हैं ना तशबीह देने के लिए, उसे हम बोलते हैं मेटाफोरिकल लैंग्वेज। तो राइटर क्या करता है, राइटर जो है अपनी
स्टोरी में ये भी, यानी कि जब भी एक स्टोरी लिखते हैं तो उसमें मस्ट क्या होना चाहिए। अगर आप फॉर एग्जांपल एक राइटर हैं, आपने कोई स्टोरी लिखी, आपने पढ़ा है, पढ़ने के बाद आपको कोड समझ भी आ रही है, तो उसमें आपका मैं मेटाफोरिकल लैंग्वेज भी देखूंगी कि ये जो राइटर है, ये जो लिखने वाला बंदा है, इसने कैसे मेटाफोरिकल लैंग्वेज यूज़ किया, कैसे वर्ड्स को तशबीह दी है चीज़ों के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है स्टाइल। अब स्टाइल क्या है? स्टाइल आप कह लो कि जो राइटर है, जो भी स्टोरी टेलर है, नॉट टेलर सॉरी राइटर, जो स्टोरी राइटर है, यानी कि जो आप जिस रीडर जिस स्टोरी को पढ़ रहे हो, उसमें ना राइटर ने कौन सा स्टाइल यूज़ किया है, यानी कि राइटर जो है ना, राइटर का स्टाइल क्या है। ठीक है, जैसे कि है कि जस्ट एज पीपल आर इंडिविजुअल एंड डिफरेंट एज देर आर वेरीज, ओके, यानी कि राइटर ने यू कैन से कि कौन सा सीन चूज़ किया अपनी स्टोरी को डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, राइटर ने कौन सा सीन चूज़ किया, राइटर का अपना स्टाइल किया है। ठीक है, अच्छा समरी है, समरी क्या होता है? समरी मीन कि जैसे कि इतने बड़ा आपके पास कोई फॉर एग्जांपल स्टोरी होती है 5 to 10 पेजेस की, बल्कि स्टोरी को छोड़ें, अब जैसे कि मैं आपको डेली बेसिस की एग्जांपल देती हूँ, आप लोग ड्रामा देखते हो, ठीक है, ड्रामा आप लोग मोस्टली क्या होता है कि डिफरेंट टाइमिंग होती है, कोई 30 मिनट का होता है, कोई 40 मिनट का होता है, कोई आवर का होता है, व्हाटएवर। तो क्या होता है कि आप लोग वो जो ड्रामा देखते हो ना, तो अगर आपसे नेक्स्ट डे आपकी कोई बहन कोई कज़न आपसे पूछ ले कि ड्रामे में क्या हुआ था, आप लोग जस्ट मेन बताते हो ना कि ये हुआ था, ये हुआ था, ना कि आप ये बताते हो कि वो बंदा आया था, वो यहाँ से चल के आया था, वो ड्राइविंग करके आया था। ठीक है, ये चीज़ें तो आप लोग एक्सक्लूड कर देते हो, स्किप कर देते हो। समरी बेसिकली किसको कहते हैं? समरी भी कहते हैं, यानी कि आपने जस्ट टू द पॉइंट, यानी कि स्टोरी पढ़ने के बाद जो मेन बात है आपने जस्ट वो करनी है। इसके बाद ओपिनियन है, यानी आपकी आपने एक स्टोरी पढ़ ली है, ठीक है, उसके बारे में आपका आपका क्या ओपिनियन है, ठीक है, यानी व्हाट इज़ योर ओपिनियन, आप उस में यानी उस स्टोरी के बारे में क्या एक्सप्रेस करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, ये हो गया आपका ओपिनियन। नेक्स्ट है लिसनिंग, और लिसनिंग जो है वो रिलेशनशिप होता है किसके साथ, ग्रुप ऑफ द सेंटेंस, कंबाइंड इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन में भी लिंक्ड एज कन्वेंस और व्हाटएवर। अच्छा, अगर आप लिसनिंग करते हो, यानी कि अगर आप लिसनिंग का और आप कह लें कि जो अंडरस्टैंडिंग का होता है उनका आपस में रिलेशनशिप होता है, अगर आप एक चीज़ सुन सकते हैं तो मस्ट है कि वो आपको समझ भी आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लिसनिंग मार्कर्स है, जैसे कि 1, 2, 3 एटसेट्रा हम यूज़ करते हैं, यानी कि अगर कोई बंदा कह रहा है 1, 2, 3 हमें समझ तो आ रही है, अब उसने बोला है हम सुन रहे हैं 1, 2, 3, लेकिन इसका क्या मतलब है ये भी समझ आ रही है। किसी ने बोला ETC, यानी कि एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी एटसेट्रा भी जिसको हम बोलते हैं, वगैरह वगैरह, किसी ने ETC बोला बट हमें समझ आ गई कि क्या मतलब है। ठीक है, इसके बाद इन द फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्लेस इन अदर, ये सारे आपके पास लिखे हुए हैं, आपने इसको देख लेना है। ठीक है, यानी कि फिर एक दफ़ा बता देती हूँ कि यानी कि लिसनिंग मार्कर्स क्या होते हैं, यानी कि कोई बंदा बोल रहा है और आपको फ़ौरन से समझ आ गया, आपने फ़ौरन से अंडरस्टैंड कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हमारे स्पेसिफिक वर्ड्स दिए वो आपने देख लेने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक सैम्पल पैराग्राफ दिया गया है जो कि आपने रीड करना है और आपकी प्रैक्टिस के लिए है ये। फिर ये जो आपको सैम्पल पैराग्राफ दिया गया, इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 भी दी गई और एक्सरसाइज नंबर 2 भी दी गई है। ठीक है, जैसे ही आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब मैं आपको एक समरी दे देती हूँ इस चैप्टर की कि इस चैप्टर को पढ़ने का क्या फ़ायदा है, पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि अगर आप लोग रीडिंग करते हैं तो रीडिंग जो है वो आप मतलब एक चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको आपने कैसे समझना है, क्या इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, रीडिंग की क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं किसी चीज़ को रीड करने के लिए, आपको वर्ड्स मीनिंग आने चाहिए, वो जो सारा कुछ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और इसके अलावा क्या होता है, यानी कि आपको समरी आनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो भी आपने स्टोरी पढ़ी उसकी समरी क्या है, जो भी राइटर है उसने कौन सी मेटाफोरिकल लैंग्वेज यूज़ की, तो ठीक है, राइटर ने कौन सी मेटाफोरिकल लैंग्वेज यूज़ किया, राइटर ने कैसे वर्ड्स को कैसे चीज़ों को दूसरी चीज़ों के साथ या फिर मुख्तलिफ चीज़ों के साथ तशबीह दी है। ठीक है, और इसके बाद आपको पता होना चाहिए राइटर ने कौन सा स्टाइल चूज़ किया, क्या उसने नेचर ब्यूटी से लिया, क्या उसने फ्लावर चूज़ किया या क्या चूज़ किया। ठीक है, तो ये जो है ना आपका इंपॉर्टेंट ऐसे है कि जैसे आपके जो है ना कंसेप्ट होने चाहिए और पेपर में कैसे आएगा, पेपर में आ जाएगा, आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और कहा जाएगा किसकी समरी पॉइंट आउट करें या मेटाफोरिकल लैंग्वेज करें। ठीक है, आपने इसको रीड कर लेना है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी पॉइंट हो, किसी बात की समझ ना आई हो, आप थ्रू कमेंट्स पूछ सकते हैं, अपना फीडबैक लाजमी दे दीजिएगा। और आई होप सो आपको इस चैप्टर की समझ आ गई होगी। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।